भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिहार को सबसे पहले इन लाल झंडे वालों से, जिनसे आरजेडी ने हाथ मिला रखा है, सावधान होने की आवश्यकता है। अगर लाल झंडे को हराना है और परिवारवादी पार्टियों को हरा करके देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी वो रास्ता है जिसमें आइए। देवी जी भी आई है, वो भी जिला पार्षद रही है, बहुत बहुत आपका पार्टी में स्वागत है। इधर घूम जाइए, पीछे जाइए, और पीछे जाइए। घोषणा की जाती है हमारे माननीय विधायक, प्रदेश के माननीय महामंत्री आदरणीय सुजी भाई जी से जो आवे और धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी को मधुबनी ट्रेनिंग देकर सम्मानित कर रहे और शॉल देकर सम्मानित कर रहे हैं। बार जोरदार ताली बजावे। हमारी अनिता जी सभी माननीय मुख्य अतिथि मंत्रस्थ मुख्य अतिथियों को शॉल देकर सम्मानित करना चाहती है। उधर जाइए। हमारे माननीय चलिए अनिता जी, मोबाइल हटाइए, बिहार फोटो खींचिए। और मैं अब भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिहार को सबसे पहले इन लाल झंडे वालों से, जिनसे आरजेडी ने हाथ मिला रखा है, सावधान होने की आवश्यकता है। और दूसरा, देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती परिवारवादी पार्टियों से भी है। और कांग्रेस ने इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। आप ये ध्यान करिए, देश के लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने अपने परिवार को बचाने के लिए किया। जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी को लेकर के आए, उसके बाद से कांग्रेस ध्वस्त हो गई। केवल उनके बेटे पोते वही कांग्रेस के आज प्रमुख और अध्यक्ष बनने लगे। ये प्रवृत्तियां आरजेडी में भी आ गई है, ये प्रवृत्तियां जिन भी पार्टियों में आ गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर लाल झंडे को हराना है और परिवारवादी पार्टियों को हरा करके देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी वो रास्ता है जिसमें आइए और देश को आगे बढ़ाने का काम करें।